मैं धीरज सिंह राजपूत एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नया वीडियो लेकर आया हूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बात करेंगे हम आज अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को और जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको हम कैसे समझें और कहाँ कौन सी चीज़ की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से हम उसका व्यू करें, वो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्रेडिट कार्ड के जो स्टेटमेंट जो आता है वो हमारे मेल रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आता है, जिसमें हमें सबसे पहले जो चेक करना है हमारा जो पेमेंट कितना ड्यू है उसको, उसके बारे में चेक करना है कि अब हमने कितना एक्सपेंसेस कर चुके हैं और उसका पेमेंट हमें कब कितना करना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये चेक करना है। उसके बाद अब चलते हैं कौन सी डेट तक हमें वो पेमेंट करना है। यह जो डेट का हमें टाइम मिलता है वो हमारे जो बिल जनरेट होने के 20 दिन के भीतर आपको क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपको मोस्टली करना होता है। तो वो ड्यू डेट का हम हमेशा ध्यान रखें। अगर ड्यू डेट से ऊपर जाता है तो आपको ब्याज भी लगेगा, साथ में आपका सिविल स्कोर भी डाउन होगा। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा ध्यान रखें कि हमें ड्यू डेट पे हमारे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हमें करना है किसी भी हालत में, ठीक है। तीसरा है आपका पॉइंट मिनिमम ड्यू। मिनिमम ड्यू वो होता है जब आप पूरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, जो आपको पूरी बकाया राशि उसका पेमेंट एक साथ नहीं कर पाते, उस सिचुएशन में आप इस मिनिमम जो ड्यू है उसका पेमेंट करके आप अपना सिविल स्कोर बचा सकते हैं। बट ये जो मिनिमम ड्यू होता है, एक जो आपकी जो राशि है उसको ना चुकाने पर दिए जाने वाला ब्याज के रूप में होता है, तो ठीक है। तीसरी चीज़ ये हुई। चौथी चीज़ आपको ये देखना है, अपना लेन देन का विवरण चेक करना है कि आपने पूरे मंथ में या ये जो रिसाइकिल है 30-50 दिन की उसमें क्या एक्सपेंसेस किए, उसके बारे में इसमें आपका पूरा पूर्ण विवरण है, उसको आप मैच कर लें कि आपने कहाँ कौन सा एक्सपेंसेस किया, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें चेक करना है आपका जो ब्याज, आपको कितना ब्याज लगा, क्या आपको इस पर जो अलग से एडिशनल चार्ज पे करने पड़े, किस तरीके का आपको टैक्स लगा, वो चीज़ आपको चेक करनी है। अगर एडिशनल चार्ज लग रहा है किसी तरीके का आपको, तो आप कस्टमर केयर पर कॉल करें और उसके बारे में पूछें। अगर आपको एडिशनल चार्ज लग रहे हैं तो उसे हटवाएं या फिर उन्हें आप उसके हिसाब से मैनेज कराएं, जितना है उतना ही दें, ठीक है। इसके बाद आपको सारांश, आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट स्टार्टिंग में आपके पास कितनी थी, आपने कितनी यूज करी, और उसके बाद आपका कितना अमाउंट आपके पास अभी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सारांश में आके जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी आपके पास कितनी क्रेडिट लिमिट बाकी है इसके बारे में भी आप उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी क्रेडिट लिमिट अभी कितनी बाकी है, आप कितनी यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी बातें। इसके बाद आपको देखना है आपके रिवार्ड पॉइंट कितने अर्न किए, पहले कितने रिवार्ड पॉइंट अर्न किए और उसके बाद आपने एक्सपेंस करने के बाद आपको कितने रिवार्ड पॉइंट अर्न हुए, वो सारी चीज़ें भी आप देखनी है। और रिवार्ड पॉइंटों को आप आसानी से कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं किसी किसी कार्ड में। इसके अलावा आप ये जो रिवार्ड पॉइंट हैं उनका किसी तरीके का कूपन ले सकते हैं या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ लेना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप उसको क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को, क्रेडिट कार्ड के बिल को अच्छे से चेक करें। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा अगर आप बेल आइकन दबाएंगे। थैंक यू।